hello students welcome back to online english class today we are going to revise the poem granny's tree climbing written by ruskin bond so let us discuss the short answer type questions of this poem first question at what age did granny learn climbing trees who taught her the art of climbing answer Granny learned to climb trees at the age of 6. At the age of 6 means when she was 6 years old. Granny learned to climb trees when she was 6 years old. She was taught the art of climbing trees by her affectionate elder brother. By her loving elder brother. और यू में राइट दिस इन एक्टिव वॉइस ऑल्सो हर लविंग ब्रदर टॉट हर हु की जगह लिखेंगे हर लविंग ब्रदर ध्यान रखना है लवली ब्रदर नहीं लिखना है लविंग ब्रदर या अफेक्शनेट ब्रदर हर लविंग ब्रदर टॉट हर द आर्ट ऑफ क्लाइंबिंग ट्रीज क्वेश्चन नंबर टू हाउस ग्रैनी डिफरेंट फ्रॉम यूज ग्रैंड मदर्स बाकी आम साधारण ग्रैंड मदर से कैसे डिफरेंट थी Granny's ardent love for climbing trees made her a unique grandmother. Ardent means deep love. zyada. Love tha usko climbing trees. Se. Granny's ardent love for climbing trees made her a unique grandmother. She climbed trees of all shapes and sizes without bothering whether it looked graceful or otherwise. वो हर टाइप के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती थी और ये टेंशन नहीं लेती थी ये बॉदर नहीं करती थी इस बात की परवाह नहीं करती थी कि ये ग्रेसफुल लगेगा या कुछ और लगेगा कि एक बुजुर्ग महिला को पेड़ पर चढ़ते हुए देखना अच्छा लगता है या नहीं लगता इस चीज की परवाह नहीं करती थी हर लव फॉर एडवेंचर मेड हर गेट अ ट्री हाउस बिल्ड फॉर बिल्ट फॉर हर सेल्फ एडवेंचर मीन्स साहसिक कारनामा साहस भरे कारनामे करने की हैबिट थी उनको तो हर लव फॉर एडवेंचर मेड हर गेट अ ट्री हाउस बिल्ट फॉर हर सेल्फ उनकी एडवेंचरस नेचर की वजह से ही उन्होंने अपने लिए एक ट्री हाउस भी बनवा लिया दस शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रैंड मदर्स इस तरह से वो बाकी ग्रैंड मदर्स से डिफरेंट थी फैमिली ने सजेस्ट किया ग्रेसफुली कि ओल्ड होना चाहिए तो ग्रैनी ने कैसे रिएक्ट किया आंसर ग्रैनी लाफ्ड ऑफ देयर सजेशन सजेशन पर उनकी सजेशन को हंसी में उड़ा दिया ग्रैनी लाफ्ड ऑफ देयर सजेशन एंड सेड दैट शी वुड लाइक टू ग्रो ओल्ड disgracefully. She argued. उन्होंने ये argument दिया. She argued that she could climb trees easily and she was not going to give it up. उन्होंने ये argument दिया कि जब वो पेड़ों पर अच्छे से climb कर सकती हैं, easily climb कर सकती हैं, तो वो पेड़ों पर चढ़ना give up नहीं करेंगी, नहीं छोड़ेंगी. Question number four. How were Granny's activities a cause of worry and tension for the family? Granny's climbing up and down the trees caused tension to the family as they feared, or because they feared, that she would fall and hurt herself. उन्हें डर था कि वो गिर जाएगी और अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगी चोट लगवा लेंगी मोर ओवर दे फेल्ट सच एक्टिविटीज डिड नॉट एपियर टू बी ग्रेसफुल डिड नॉट लुक ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड एट हर एज उन्हें लगता था कि ऐसी एक्टिविटीज पेड़ों पेड़ों पर चढ़ने जैसी एक्टिविटीज उनकी उम्र की महिलाओं के लिए ग्रेसफुल या डिग्निफाइड नहीं लगती क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डिड ग्रैनी वर्क आउट द प्रॉब्लम ऑफ नॉट बीइंग एबल टू क्लाइम्ब डाउन द ट्रीज ग्रानी जब पेड़ों पर चढ़ना तो उनको आता था लेकिन जब उतरने में प्रॉब्लम होने लगी एक बार पेड़ों से उतरने में प्रॉब्लम हो गई उनको तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया कन्विंस्ड दैट क्लाइंबिंग डाउन क्ड पोज हर प्रॉब्लम अगेन इस बात से कन्विंस्ड थे इस बात का उनको एहसास हो गया कि पेड़ों से उतरते समय उनको फिर कभी दोबारा भी प्रॉब्लम हो सकती है ग्रैनी वंडर्ड हाउ शी कुड एंजॉय लाइफ अमंग द ट्रीज विदाउट बीइंग ट्रैप्ड इन देम वंडर्ड मींस सोच में पड़ गई कि कैसे वो पेड़ों पर चढ़ना पेड़ों पर बैठे रहना किस तरह से वो एंजॉय कर सकती हैं और ताकि वो दोबारा से ट्रैप ना हो जाए किसी पेड़ पे फंस ना जाए तो वो बिना ट्रैप हुए कैसे अपनी लाइफ को पेड़ों में एंजॉय कर सकती हैं इस बारे में विचार करने लगी द ब्रिलियंट आइडिया ऑफ हैविंग अ परमानेंट रेजिडेंस इन अ ट्री हाउस सॉल्व हर प्रॉब्लम देन शी गॉट अ ब्रिलियंट आइडिया एंड आस्क्ड हर सन एंड ग्रैंडसन आस्क्ड हर सन To make a treetop house for herself. In this way, she came out of the problem of not being able to climb down the trees. Let us discuss two more questions. These are long answer type questions. In spite of being eccentric by nature, Granny was held in great regard. बाई द एंटायर फैमिली कमेंट एक्सेंट्रिक थी अजीब थी उनकी नेचर strange फिर भी अपने परिवार में बहुत ही इन स्पाइट ऑफ बींग्रिक बाचर अपने स्वभाव से स्ट्रेंज होते हुए भी ग्रैनी वॉज लव्ड बाय द एंटायर फैमिली डीपली ग्रैनी पूरे परिवार पूरा परिवार ग्रैनी को बहुत लव करता था द ग्रैंड चाइल्ड वॉज सो फैसिनेटेड विद हर एबिलिटी टू क्लाइम ट्रीज यहां पे ग्रैंड चाइल्ड कौन है द पोएट ओके द ग्रैंड चाइल्ड और द पोएट वॉज सो फैसिनेटेड विद हर एबिलिटी टू क्लाइम ट्रीज दैट ही कॉल्स हर अ जीनियस पोएट उनको एक जीनियस कहता है वो इतना अट्रैक्टेड इतना फैसिनेटेड था अपनी ग्रैनी की एबिलिटी देख के कि वो कि पेड़ों पर कितनी इजीली चढ़ सकती है एवरीबडी वॉज दैट शी माइट फॉल डाउन एंड हर्ट हर सेल्फ सबको डर लगा रहता था चिंता रहती थी कि वो गिर सकती है और उनको चोट लग सकती है दे रिक्वेस्टेड हर टू चेंज हर वेज एंड ग्रो ओल्ड ग्रेसफुली बट दे नेवर फोर्स्ड और स्कॉल्डेड हर उन्होंने हमेशा उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपने तौर तरीके बदल लें और ग्रेसफुली ओल्ड हों लेकिन उन्होंने कभी उनको मजबूर नहीं नहीं किया फोर्स नहीं किया और कभी डांटा भी नहीं हर डिमांड फॉर अ ट्री हाउस वॉज ऑल्सो फुलफिल्ड वेरी फास्ट बाय द ओबीडियंट सन और उनकी ट्री हाउस पाने की एक डिमांड को विश को भी उनके ओबीडियंट उनके आज्ञाकारी बेटे ने बहुत जल्दी पूरा कर दिया ऑल दिस प्रूव्स ट एवरी वन हैड अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हर और इससे पता चलता है कि हर व्यक्ति परिवार में हर व्यक्ति उनको बहुत सम्मान देता था कम टू द लास्ट क्वेश्चन वाई डू यू थिंक ग्रैनी लाइक्ड लिविंग इन अ ट्रीट ऑफ हाउस मोर देन लिविंग इन एन ऑर्डिनरी हाउस वट प्रॉब्लम्स कुड जी हैव फेस्ड वाई लिविंग देयर ग्रैनी को ट्री टॉप हाउस में रहना ज्यादा पसंद क्यों था ऑर्डिनरी हाउस की बजाय ट्री टॉप हाउस में रहना कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती थी उनको वहां रहते हुए वाई वॉजन शी डिस्करेज बाय दो प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम से डिस्करेज क्यों फील नहीं कर रही थी क्यों नहीं घबराई ग्रैनी वॉज अ फन लविंग पर्सन हु नॉट ओनली लाइक्ड बट ऑल्सो हैड अ क्रेविंग फॉर लिविंग इन अ ट्री टॉप हाउस वो सिर्फ पेड़ों पर पे रहना लाइक ही नहीं करती थी बल्कि मतलब बहुत ज्यादा इच्छा रखती थी पेड़ों पर रहने की अनलाइक एन ऑर्डिनरी हाउस अ ट्री टॉप हाउस फुलफिल्ड हर डिजायर फॉर एडवेंचर एक आम हाउस नहीं एक ट्री टॉप हाउस ही उनकी एडवेंचर की इच्छा को पूरा कर सकता था सच अरे कुड पोज मैनी प्रॉब्लम्स एज द हाउस नीदर हैड इलेक्ट्रिसिटी नोर वाटर सप्लाई ऐसे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी क्योंकि ना वहां बिजली होगी पा नहीं पानी की सप्लाई होगी देर वर नो टॉयलेट फैसिलिटीज इधर टॉयलेट फैसिलिटीज भी नहीं होंगी मोर ओवर नथिंग कुड बी कुकड ऑन ट्री टॉप और वहां पर कुछ खाना भी नहीं पकाया जा सकेगा हाउ एवर शी वॉज डिस्करेज बाय एनी सच हर्डल्स एज शी विश्ड टू अप होल्ड हर राइट टू रिजाइड इन अट्री क्योंकि वो पेड़ों पर रहने के अपने अधिकार को बचाए रखना चाहती थी इसलिए उन्होंने किसी भी बात की परवाह नहीं की मोर ओवर अ नंबर ऑफ दीज प्रॉब्लम कुड बी इग्नोर्ड एस ग्रहनी है हर रिक्वायरमेंट्स और इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर भी किया जा सकता था क्योंकि ग्रैनी का एंथुजियास्टिक ग्रैंड था बहुत ही जोश वाला फुर्तीला ग्रैंड पोता था उनका जो कि ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए हमेशा तैयार था उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए रन एरेंड्स मीन भाग दौड़ कर सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता था सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो